आवाज से इस वक्त की बड़ी खबर, डीसीएम पिकअप में जोरदार हुई भिड़ंत। डीसीएम पिकअप आमने सामने टकराने पर 14 लोग हुए घायल। सभी घायलों को सीएससी में कराया गया भर्ती। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर आनंद फानंद में सिपाही अमित कुमार बच्ची को गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचा। सभी घायलों को लोहिया अस्पताल के रेफर किया गया। मनोज गुप्ता, सुखदेवी पुत्री सियाराम, रेहाना पत्नी शमशा, नैन्सी पुत्री अवधेश, सविता पत्नी ब्रजेश, सबनम पुत्री शमशाद आदि लोग पिकअप में मौजूद थे, जो चोटिल हो गए। डीसीएम पिकअप चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए। रिपोर्ट नायाब खान, फर्रुखाबाद, यूपी। जो एक्सीडेंट है, कितने लोग आए थे, किसके द्वारा लाए गए? ये एक्सीडेंट कुछ एम्बुलेंस और कुछ प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा लाए गए। कुछ टेम्पो से लोग आए थे, कहीं कमालगढ़ के आसपास में एक्सीडेंट हुआ है। लगभग 14-15 लोग आए थे हमारे पास, उसमें 6-7 की हालत ज़्यादा गंभीर थी, इसलिए उनको तत्काल लोहिया के लिए रेफर किया गया, एडमिट के लिए। सब कितने थे? लगभग 14 या 15 लोग लोहिया अस्पताल जी, 5-6 लोगों को लोहिया अस्पताल। बाकी लोग कहाँ? बाकी लोग अपने अपने, मतलब कुछ लोग उनके रिलेटिव थे तो साथ में भी गए हैं, कुछ कुछ घर गए।